मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। और आज मैं बात करने वाला हूं बाबरी मस्जिद के अपडेट के बारे में। और हमारे साथ हैं ताहिर भाई। ताहिर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आकर बाबरी मस्जिद का अपडेट देने के लिए। तो तकरीबन 30 दिन हो चुके हैं हियरिंग होते हुए, तो अभी तक का क्या अपडेट है ताहिर भाई? देखिए, पहले वीडियो में इससे पहले हम लोग 15 दिन के बारे में बात कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो 15 दिन हुए, इसमें ज़्यादातर जो मुस्लिम पक्ष है उन लोगों ने इसमें आर्गूमेंट किए हैं, और उन्होंने पूरे जो आर्गूमेंट के बेसिस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे किए हैं। तो हिंदू लोगों का जो हिंदू पार्टीज़ का जो मेन आर्गूमेंट क्या था कि एक तो मस्जिद है 1934 से वहाँ पर नमाज नहीं हो रही थी, तो उसको काउंटर करने के लिए जो उनके एडवोकेट थे जफर अब जिलानी, तो उन्होंने कुछ विटनेसेस का स्टेटमेंट दिया। उन्होंने स्टेटमेंट में बाकायदा बोला है कि हमने 1949 को इवन जिस दिन मूर्ति रखी उससे पहले भी नमाज़ पढ़ी है, और उससे पहले हम रेगुलर वहाँ पर नमाज़ पढ़ते थे। तो उसको काउंटर करने के लिए तो उन्होंने जो एविडेंस था जो कि रिकॉर्ड में था वो उन्होंने उसको हाईलाइट किया उसको। फिर दूसरा, उन्होंने जब ये बोला कि भाई नहीं, इनको उन्होंने पोजिशन 1934 में लूज़ कर लिया था और उसके बाद से नमाज़ नहीं हो रही थी, और सिर्फ जुम्मे की नमाज़ पुलिस प्रोटेक्शन में हो रही थी। तो उस पॉइंट को भी उन्होंने गजट्स जो कि उस टाइम में जब एक रिपेयरिंग के लिए गजट्स हुआ था, फिर उसकी जो पेमेंट की थी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने, जो टेंडर निकाला था, वो सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी मार्क्ड हैं। उन पूरे मार्क डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने उसमें दिखाया, और ताकि ये साबित करने के लिए बताया कि जो मुस्लिम पार्टी थी वो उनका 1949 जब तक मंदिर में उन्होंने मूर्तियां रखी थी मस्जिद में तब तक उनका पोजीशन था। तो ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। अगर कोर्ट 1934 की डेट को अगर मान लेगा कि पोजीशन से डिसाइड करेगा, तो तब क्या होगा, जो मुस्लिम सुन्नी वक्फ बोर्ड का जो कि क्लेम 1961 में फाइल हुआ था वो लिमिटेशन में हिट हो जाएगा। और 1949 का अगर वो पोजीशन क्लेम मानेगा तो उनकी जो सूट है वो सस्टेन करेगी और उनको उसमें फ़ायदा हो सकता है। फिर दूसरी एक जो चीज़ सबसे ज़्यादा उन्होंने बताया कि 1985 में जो हनुमानगढ़ी का एक वाक़या हुआ था, तो उस टाइम में क्या हुआ था कि लोग एक बात चली थी कि हनुमानगढ़ी जो मंदिर है जो कि मेन डिस्प्यूट उस वक्त में ज़माने में हनुमानगढ़ी का मेन डिस्प्यूट था, तो क्या बात चली थी, हनुमानगढ़ी का जो टेम्पल जो बनाया गया वो एक मस्जिद को गिरा के बनाया गया। तो ये बात चलने पे 1955 में बहुत सारे मुसलमान लोग क्या हुए थे, हनुमानगढ़ी मंदिर में कब्जा करने गए थे। और उस वक्त जो अयोध्या में जो था कानून, जो रूल था वो अवध राजा का, नवाब का रूल था वो। तो वो लोग 500 लोग गए, तो वहाँ पे 500 लोग गए तो हनुमानगढ़ी में उन्होंने ऑलरेडी महंत ने क्या था एक 8,500 विरागियों को ऑलरेडी इकट्ठा किया था। तो ज़बरदस्त लड़ाई चली और उसमें बहुत सारे मुसलमानों को उन्होंने मार दिया। उन्होंने वहाँ पे उनको मार के हनुमानगढ़ी से बैरागी लोग पूरे इसमें आए, किसमें, ये बाबरी मस्जिद में आए। तो बाबरी मस्जिद में आके वहाँ पे उन्होंने तोड़फाड़ की, सब कुछ की, मगर उन्होंने वहाँ पे कब्जा नहीं किया। अगर तो साबित क्या करने का उन्होंने आर्गूमेंट में क्या किया, अगर वहाँ पे मस्जिद का क्लेम अगर होता तो 1855 में जब उन्होंने मुसलमानों को ओवर पावर कर दिया था तो नेचुरली वो कब्जा कर सकते थे, उन्होंने वहाँ पे कब्जा नहीं किया। तो कब्जा नहीं किया, उन्होंने क्या वहाँ से वापस चले गए। तो ये बताया, तो ये बताना गया था कि 1855 तो कोई क्लेम नहीं था। ठीक है, ये डिस्प्यूट जो अयोध्या में पहली बार स्टार्ट हुआ मंदिर या मस्जिद के बारे में, ये एक हनुमानगढ़ी का मंदिर था जिसे मुसलमानों का क्लेम था कि ये मस्जिद है बोल के, मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाया। तो उस वक्त में क्या हुआ कि जब ये हादसा हुआ, बहुत सारे मुसलमान मर गए, तो वहाँ पे एक आम लोगों में एक बात फैल गई। क्या बात फैल गई कि भाई ये जो नवाब है शिया है, इसीलिए क्या सुन्नी की मस्जिदों को पर ध्यान नहीं दे रहा बोल के। तो जब ये बात फैलने लगी तो नवाब ने क्या किया, कमेटी बना दी। कमेटी में हिंदू मुस्लिम अंग्रेज तीन लोगों को कमेटी बनाई, और कमेटी ये डिसाइड कर रही थी कि भाई हनुमानगढ़ी में टेम्पल मस्जिद है या नहीं बोल के। तो उसने क्या किया, कमेटी ने मुसलमानों को खुश करने के लिए हनुमानगढ़ी का टेम्पल को हम लोग टच नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने मस्जिद बना गिरा के बनाई भी है तो बहुत अरसा हो गया, अब उसको हम चेंज नहीं कर सकते, चाहिए तो अंग्रेज मुसलमानों के लिए एक नई मस्जिद बना देंगे बोल के आज के आसपास बोल देंगे। तो ये एक डिस्प्यूट ऐसा था। तो उस वक्त जो महंत था उस वक्त में जो निर्मोही अखाड़ा का, तो उसने क्या समझा, अगर ये लोग चुपचाप बैठेंगे नहीं, ये लोग इस इशू को आगे लेते जाएंगे, तो ये लोग क्योंकि हमारे मंदिर पे क्लेम कर रहे हैं तो हम इनके ऊपर अगर काउंटर क्लेम कर देंगे तो क्या हो जाए, इन लोगों के ऊपर अपने आप को बचाने का प्रेशर आ जाएगा, तो हमारी चीज को नहीं, तो हमारी चीज को नहीं करेंगे, अपने बचाने में लग जाएंगे। तो पहली बार क्या किया, महंत ने बाबरी मस्जिद में कि ये राम मंदिर, ये राम यहाँ पैदा हुआ वो जगह है बोल के पहली बार उसने क्लेम 1877 में डाला। ठीक है, वो 77 इस दौरान क्या हुआ, छोटा चबूतरा ही बन गया था, वो चबूतरे को क्लेम कर रहे थे लोग कि ये राम मंदिर है। तो उस वक्त भी जो क्लेम था वो सिर्फ चबूतरे के ऊपर था, वो मस्जिद के अंदर नहीं था।
चबूतरा तो मस्जिद से बाहर है। हाँ, तो मैंने आपको बताया था ना, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स के बाद अंग्रेजों ने 1855 में क्या कर दिया था कि एक बड़े कैंपस के अंदर एक वॉल खींच दी थी, कि वॉल के पीछे यानी बाउंड्री के एक तरफ था चबूतरा और दूसरी तरफ मस्जिद। तो उसी कैंपस को वो लोग मुसलमान लोग नमाज के लिए यूज़ करते थे जो कि इनर बाउंड्री के अंदर में थी, और हिंदू लोग चबूतरे के लिए यूज़ करते थे। तो 1877 में जो महंत ने सूट डाली थी, वो सूट को पहले उसने सिविल जज के पास डाले, फिर उसने अपील करी डीसी के पास, फिर एक और उसने अपील करी। वो तीनों अपील में क्या है, वो पीले उनके खिलाफ गई। और इन तीनों अपील में भी जो उनका कंटेंशन था सिर्फ और सिर्फ चबूतरे के बारे में था, और ये डॉक्यूमेंटेड है जी हाँ। तो यही चीजों को हाईलाइट किया इस बार जो पिटीजी आर्गुमेंट्स में, और बताया गया कि किसी भी हालत में किसी भी, क्योंकि ये जिस तरीके से बात चली कि फेथ के ऊपर डिसाइड, जैसे आपको मालूम है हाई कोर्ट का जजमेंट फेथ के ऊपर डिसाइड हुआ है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रीलिमिनरी में बोल दिया ये फेथ में नहीं, हम लोग एज ए सिविल डिस्प्यूट इसको डिसाइड करेंगे। तो अब सिविल डिस्प्यूट जब डिसाइड करते हैं तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और इससे पहले जो हिंदू पक्षों की जो थी आर्गूमेंट्स उसमें क्या करते हैं, वो फेथ के ऊपर बहुत जोर दे रहे थे। तो किसी ने वो जो उन्होंने एक बात में क्या बोला, भाई अगर मानसरोवर जो जगह है जो चाइना के अंडर में, जो लोगों हिंदुओं के लिए पवित्र स्थान है, अगर वहाँ पर कल को चाइना अगर उस चीज़ को उधर उनको परमिशन देने मना कर दे, कैलाश मानसरोवर जाने को परमिशन देने मना, तो क्या सिर्फ हिंदुओं की फेथ की वजह से इंडियन गवर्नमेंट वहाँ जाके पे कब्जा कर सकती है? तो फेथ क्या है, एक फेथ है, मगर वो किसी लैंड को क्लेम फेथ के बेसिस को क्लेम नहीं कर सकते। तो अगर फेथ के ऊपर कोर्ट डिसाइड करेगा तो एक लॉन्ग रॉन्ग प्रेसिडेंट होगा, और जो जजमेंट भी है हाई कोर्ट का वो मोर यो प्योरली फेथ के ऊपर है, तो इट इज अ रॉन्ग प्रेसिडेंट हैज टू बी सेट असाइड। ये उनका एक बेसिकली उनका एक आर्गुमेंट था। तो ये पिछले अब 30 दिन तक उनका बेसिकली आर्गुमेंट है, और जिससे ये लगता है कि मुस्लिम पक्ष जो है, जो मुस्लिम्स के आर्गुमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंटेडली डॉक्यूमेंट वाइज देर इन राइट साइड, देर इन राइट डायरेक्शन बोल के ये। फिर एक और दूसरा एक और खास बात है कि जो अभी आप मैंने आपको बताया था, आर्कोलॉजी के डिपार्टमेंट ने एक एक्सकवेशन प्रोसेस किया था, उस दौरान मालूम चला कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसमें पिलर वगैरह थे, और जो मंजिल टूटी थी उसके कुछ अवशेषों के अंदर भी कुछ ऐसे निशान थे जो कि आमतौर में मस्जिदें नहीं मिलते, जैसे कि पिलर में फूल लग थे, कमल के फूल गड़े हुए थे, ये गड़े हुए थे, वो गड़े हुए थे। तो उस वजह उस चीज़ों को देख के हाईकोर्ट ने क्या डिसाइड किया था कि ये जो चीज़ें पिलर्स हैं, ये चीज़ें होती हैं मंदिर के अंदर होती हैं, तो इसे साबित क्या होता है कि जो मस्जिद को मंदिर गिरा के बनाया गया है बल्कि। तो उस पॉइंट के ऊपर अनिल धवन ने क्या बताया कि अगर किसी पिल्लर पे कोई फूल गड़ा हुआ है या कोई कमल बना हुआ है या सरोवर जैसा कुछ बना हुआ है, तो ये किसी पिल्लर को ये इस बात को मस्जिद के अंदर इस्तेमाल करने से उसकी साल में रोक नहीं सकते। उसमें जब तक वो अगर कोई किसी की स्टैचू नहीं बनी हो या कोई मूर्ति क्रव नहीं हुई हो पिलर में, तो कोई भी उसे मस्जिद में रोकने से, और कहीं भी इस्लाम में नहीं है कि एक फूल का एक आर्ट जो है वो उसमें रोक नहीं सकते, बल्कि बहुत सारे इस्लामिक जो भी मस्जिदें हैं या पुरानी जो मस्जिद, उनमें बहुत सारे कलाकारियां बनी हुई हैं फूल से रिलेटेड। तो ये कोई बेसिस नहीं है, पहले के जमाने में ये बनता था, ये रेगुलर है, तो ये कोई बेसिस नहीं है कि इसे मंदिर के अवशेष बनाए जाए। ये उनका एक बेसिकली आर्गुमेंट था। ठीक है, तो अब ये है कि ये आर्गुमेंट तो चल रहा है, लेकिन इसी बीच में इन्होंने कहा है कि 24 नवंबर तक मैं इसका फैसला हो जाएगा। तो क्या लगता है इतना लंबा चौड़ा केस 24 तक होने की ये टिप्पणी क्या, इसका क्या मतलब है? देखिए, ये आपको जैसे मालूम है 10,000 पेज का जजमेंट है। अब 10,000 पेज के जजमेंट को और ये आर्गुमेंट्स को लेकर उसको पूरे तरीके से अप्रिशिएट करना, और ये अपेलेंट कोर्ट है, तो पूरे तरीके से अप्रिशिएट करना इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब 24 नवंबर को कर दूंगा, इसकी दो वजह है। जो ये जो हमारे रंजन गोगोई साहब हैं, ये 24 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अब अगर वो रिटायर हो गए और जजमेंट नहीं हुआ, तो नेचुरली पूरी हियरिंग स्टार्टिंग से होना पड़ेगा, क्योंकि नया बेंच कंस्टिट्यूट होएगा और नए बेंच को कोई और दूसरा जज हेड करेगा और कोई और दूसरा जज भी इंक्लूड हो जाएगा। तो जो इस तरीके ऐसे जब केस होते हैं तो पूरी हियरिंग क्या होती है, दोबारा से रिफ्रेश करना पड़ता है। अच्छा, तो 24 नवंबर डेट इसलिए दी है कि मेरे को हियरिंग से बचा जाए, वो रिटायर हो रहे हैं। और जो लोगों का ही मानना है कि जो रंजन गोगोई साहब है थोड़े से टिल्ट है गवर्नमेंट की तरफ, हमने बाकी सब चीजों में देखा है, तो हो सकता है वो चीज की वजह से गवर्नमेंट के प्रेशर में उन्होंने ऐसा बोल दिया, और हो सकता है वो गवर्नमेंट प्रेशर में आके जजमेंट भी दे सकते हैं। मगर मेरी जो, अगर इसे हम लोग मेरिट वाइज अगर करने जाएंगे, तो कोई जज भी 24 नवंबर से पहले 10,000 पेजेस के डॉक्यूमेंट करके किसी हालत में कर ही नहीं सकते 5 बेंच की जज। अच्छा, ठीक है। ये दूसरी एक और चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जैसे मालूम है कि मीडिएशन था, फेल हो गया। हाँ, वही पूछने वाला था कि मीडिएशन हुआ, मीडिएशन फेल हो गया, और फिर ये लोग बात कर रहे हैं मीडिएशन करने के लिए। तो मैंने आपको बताया था पहले कि मीडिएशन फेल किस वजह से हुआ था, मुस्लिम्स आमतौर पर पूरे राजी हो गए मुस्लिम पार्टीज, हम उनको मंदिर दे देंगे।
देंगे, खुले जगह दे देंगे, वो सिर्फ एक एक चंद लोग थे जो कि मान नहीं रहे थे इसके बाद में, तो उसी वजह से भी क्या था ये मैटर दोबारा वो कोर्ट के सामने आया। अब जो कि एक आर्गूमेंट 30 दिन का हो चुका है और जजेस के माइंड में भी क्लैरिटी हो गई है कि बहुत आर्गूमेंट हो चुका है, तो जजेस के माइंड में आ जाता है कि ये कहाँ जाना है, क्या करना है, मतलब क्लैरिटी हो जाती है और पार्टीज को भी मालूम चल गया वेयर दे स्टैंड। तो आज 30 दिन के बाद भी अगर ये मीडिएशन की बात करने की सिर्फ और सिर्फ वजह है, कहीं ना कहीं से उनका इंडिकेशन मिला है, अगर ये लोग मेरिट में जाएंगे डॉक्यूमेंट वाइज, जो भी टेस्टोमनी वाइज जितने भी प्रूफ हैं उसके ऊपर जाएंगे, मटेरियल फैक्ट्स के ऊपर जाएंगे, तो किसी भी हालत में वो राम मंदिर के फेवर में ऑर्डर नहीं दे सकते। अगर वो दे देंगे बाय चांस, वो जो मटेरियल फैक्ट को भी सेट असाइड करके अगर वो दे देंगे, मैं नहीं बोलता कि दे देंगे नहीं, मैं ऐसे एक सिचुएशन बोल रहा हूँ, अगर वो दे देंगे तो क्या हो, इसका एक बहुत बड़ा रेमिफिकेशन होगा और पूरे इंडिया में इसका डिस्कस होएगा और बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट्स पूरे जजमेंट्स को का पोस्टमार्टम करेंगे और इंटरनेशनली भी लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, तब क्या होगा, जो इंडिया का जुडिशियल सिस्टम के ऊपर एक रिमार्क आया। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए जी, और जैसे आपने बताया 24 नवंबर की डेट की, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए मुस्लिम पार्टीज को, इवन जो लोग तैयार नहीं हो रहे थे उन लोगों को दोबारा मनाने की, या अब लोग मान के वो लोग खुद आगे आ रहे हैं कि हम मीडिएशन कर लेंगे, ताकि क्या होगा, एक सुप्रीम कोर्ट को एक अपने एक फेस सेविंग भी होगी उनको, और एक ऐसा एक जजमेंट पास करेंगे जो कि 24 नवंबर से पहले भी हो सकता है और वो हिंदुओं के फेवर में, यानी हिंदू पार्टी के फेवर में भी हो सकता है। मगर जितने भी डॉक्यूमेंट्स अब तक या जो भी आर्गूमेंट हुआ है, मैं उससे पूरे कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ, अगर कोई भी जज और उसके लीगली इस डॉक्यूमेंट को अप्रिशिएट करेगा, उस एविडेंस को अप्रिशिएट करेगा, किसी हालत में भी वो हिंदू पार्टी के पक्ष में नहीं दे सकता जजमेंट, वो देना है तो मुस्लिम पार्टी के में फेवर में देना है। ठीक है, तो मैं इसका एक समरी ये बोल दूं कि आपने यही कहा कि जितने भी एविडेंस और जितने भी प्रूफ दिए गए उससे ये लगता है कि ये फेवर में मुस्लिमों को जाएगा। ठीक है, जाएगा नहीं, ये प्रूफ मुस्लिम्स के फेवर में है। हाँ, मतलब ये सारे प्रूफ और जितने भी डॉक्यूमेंट जाएगा, क्या होता है, जज के ऊपर डिसाइड होता है कैसे अप्रिशिएट करते हो। तो मतलब ये लग रहा है कि मतलब ये जो है क्लेम जो है वो कहीं ना कहीं फेक क्लेम है। हाँ, ये फेक क्लेम जिसमें आपको बताया ना 1855 को प्रूफ है वो, तो अब ये लग रहा होगा जज को कि अगर हम इसके ऊपर करते हैं तो सही जजमेंट नहीं होगा, अगर वो हिंदू पक्ष में करते हैं, और अगर मुस्लिम पक्ष में करते हैं तो फिर हिंदू भाई लोगों को नाराज करेंगे, तो इसके बीच का रास्ता निकालने के लिए फिर से मीडिएशन की बात चल रही है कि दोनों पार्टी को कन्विंस करें और एक सही रास्ते पर आ जाएं कि ये मारपीट या हंगामा बंद हो जाए, शायद यही सोच होगी इनकी। मारपीट हंगामे से सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के पास सवाल क्या है कि आज मुसलमानों की कंडीशन ये है कि कोई मारपीट कर भी सकते नहीं, क्योंकि खुद ही पिट रहे हैं, उनको बचने को बचाने वाले कोई नहीं है। ठीक है, तो मारपीट करने की तो पोजीशन में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक वे आउट देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फेस बच जाए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि देखिए ये इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बुरी तरह से उछाला जाएगा, क्योंकि अब सबूत कहीं और दिखा रहा है, इशारा कहीं और कर रहा है और आप जजमेंट कहीं और कर रहे हैं, क्योंकि ठीक है इंडिया में इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं लेकिन इंटरनेशनली फेस को बचाना बहुत मुश्किल मुश्किल है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर भाई इस पर रोशनी, थैंक यू सो मच। जाने से पहले ये बता दूं कि इंडियन मीडिया बुक अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बातें आसानी तक आप तक पहुँच सकती है। थैंक यू सो मच।